जो 30% टैक्स लगाया है, आप विचार कीजिए आगे आने वाले दिनों में क्या इस टैक्स को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है क्या। सत्य महोदय, ये क्रिप्टो ये गैम्बलिंग है, जुआ है, एक प्रकार की लॉटरी है, एक प्रकार का हॉर्स रेसिंग है, एक प्रकार की गैम्बलिंग है। इस वक्त इंडिया में जो टैक्सेस है उसकी जो 30% की बात करी जा रही है, लेकिन इसी के साथ जो पार्लियामेंट के एक मेंबर है सुशील कुमार मोदी, तो उनका बोलना यह कि 30% से भी ज्यादा टैक्सेस होने चाहिए क्योंकि हमने शायद बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया। कि उनका कहना है कि बाइनेंस के ऊपर जो बाइनेंस का कॉइन है BNB का, तो उसके ऊपर हमने 30% से भी ज्यादा इंटरेस्ट कमा लिया या इतना ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया जिसकी वजह से हमें और भी ज्यादा प्रॉफिट देना पड़ेगा। लेकिन हम खुद जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि सभी कॉइन से बहुत अच्छा प्रॉफिट दे दिया, और प्रॉफिट कितना कमाया ये अलग बात है, लेकिन एक फेयर क्रिप्टो टैक्स होना वो अलग बात है। तो ऐसी कुछ चीज़ें चल रही हैं इंडिया में। इसी के साथ 11 क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो हैं उनको भी टैक्स इवेजन के नाम पर वहाँ कहा जा रहा है कि उन्होंने भी कुछ गलत किया है, मतलब इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही हैं क्रिप्टो करेंसीज में, जिस कारण सम हाउ क्रिप्टो को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर हम बाकी कंट्रीज़ की बात करें, कैनेडा की बात करें, वहाँ क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट किया जा रहा है। कुछ और कंट्रीज़ की बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें वियतनाम की, तो वहाँ भी एक फ्रेमवर्क रेडी किया जा रहा है क्रिप्टो करेंसीज को लीगलाइज करने के लिए। UK फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी है, उन्होंने भी कहा है कि वो टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन फॉर क्रिप्टो करेंसीज वो भी अलाउ करने वाले हैं, वो भी 3 दिन के अंदर ये सब कुछ होने जा रहा है। कनाडा ने भी एक्सेप्ट किया। तो दुबई में अगर बात करें तो वहाँ उन्होंने कुछ स्कूल्स में क्रिप्टो करेंसीज में फीस लेनी शुरू कर दिया बिटकॉइन और इथेरियम में। तो यहाँ तक लेवल पहुँचे क्रिप्टो करेंसीज का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, लेकिन इंडिया में सिर्फ यहाँ इतनी ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने की बात करी जा रही है। तो हमें TDS देना पड़ेगा या नहीं, टैक्स देना पड़ेगा या नहीं, और किस तरीके से हम बचा सकते हैं ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो को पूरा देखते रहेगा, अभी से लाइक कर दो। लेकिन अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो अभी से वॉफिट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेगी, वॉफिट ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहली चीज़, TDS हम जानती हैं कि वो अभी नहीं अप्लाई किया जाएगा, लगभग 2-3 महीने लग जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर अभी डिस्कशन बाकी है। डिस्कशन होगी इसको, या तो TDS को नीचे लाया जाएगा 0.01 इतना कुछ हो सकता है, या फिर इसको टोटली एलिमिनेट कर दिया जाएगा। क्योंकि जनरली अगर हम ट्रेड करते हैं तो ट्रेड के ऊपर अगर बार बार बाय सेल करने पर इतना ज़्यादा TDS कटेगा, इतना ज़्यादा टैक्स कटेगा, तो उसके हिसाब से तो हमारा प्रॉफिट कुछ भी नहीं निकलने वाला, जिस कारण TDS को अभी थोड़ा सा होल्ड किया गया। लेकिन अगर हम टैक्सेस की बात करें तो 30% टैक्स जो लगने वाला है, तो टैक्स तो बनता ही उतना, लेकिन अगर आप उसको विड्रॉ करोगे, यानी कि अपने प्रॉफिट को या फिर अपना जो भी कैपिटल है, कैपिटल प्लस प्रॉफिट अमाउंट को विड्रॉ करोगे अगर आप अपने अकाउंट में, तब आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ एक सोल्यूशन ये है, क्योंकि ये पॉसिबल तब होगा जब क्रिप्टो करेंसीज को, हमारे कॉइन्स को, एसेट्स को अगर गवर्नमेंट ट्रैक कर पाएगी। अगर हमारे कॉइन्स ट्रैक होते हैं तो ट्रैक होने पर ही हमें गवर्नमेंट को पता चलेगा कि हमने इतना इन्वेस्ट किया और इतना हमारा TDS कटा और इतना टैक्स बनता है। और TDS कब कटेगा, जब अप्लाई हो जाएगा, मतलब यानी कि जब इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा पूरे इंडिया में, यानी कि हर एक एक्सचेंज के ऊपर भी इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा कि आप बाय सेल कर रहे हो साथ के साथ TDS कट रहे हैं, और वही TDS जो एक्सचेंजेस है वो गवर्नमेंट को देने वाली है। तो TDS नहीं होगा तो ट्रैक नहीं हो पाएगा। तो ट्रैकिंग नहीं होगी तो ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को पता होगा कि हमने कितना बाय किया, कितना सेल किया। आपने पहले जो डिपॉजिट किया हुआ है अभी लॉस में सेल मत करना, इसको इसी तरीके से होल्ड करके रखना। जब तक आपका 100%, 200%, 300% तक का प्रॉफिट नहीं हो जाता तब तक आप इसको सेल मत करो। सीधी सी बात है, फॉर एग्जांपल अगर आपने $2,250 पे इथेरियम बाय किया तो इसको आप $5,000, $6,000, $7,000 तक होल्ड करके रखो। जब इतना होल्ड करोगे एक अच्छा प्रॉफिट बनेगा तो उसके बाद ही सेल करना, ताकि जब आप इतना सा जब टैक्स दोगे तो टैक्स देते वक्त आपको ये ना लगे कि मैंने इतना कमाया और इतना ज़्यादा टैक्स भी लग गया। तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा लो कि टैक्स लगे ही कुछ ना, कि हमने टैक्स ज़्यादा देना पड़ा। तो यही एक सही तरीका है। दूसरा है कि अगर आप होल्ड करके रखते हो कोई भी क्रिप्टो करेंसी, कोई भी कॉइन है, तो उसको होल्ड करके रखो। जितना ज़्यादा होल्ड करोगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट बनेगा। एक और चीज़ है कि अगर आप यहाँ फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो ऑब्वियसली जब टैक्स इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा TDS वाला, तो फ्यूचर्स में ट्रेड करने पर तब लगेगा TDS, वरना अब तक हमें TDS की भी कोई चिंता नहीं है। तो आप फ्यूचर्स में भी ट्रेड खुल के कर सकते हैं। तो इस वक्त आपको टैक्सेस की, TDS को देखकर कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही मेरा सुझाव है कि आप होल्ड करके रखो, एंड मोस्ट प्रॉब्ली 2-3 महीने नहीं, बल्कि अगर हम इससे ज़्यादा वेट भी करते हैं, 1 साल वेट करते हैं, तो इतना वेट करने पर टैक्सेस को भी नीचे कर दिया जाएगा, TDS भी कम कर दिया जाएगा। तो यही मेरा सुझाव है। अगर आपके हिसाब से कोई और अपडेट है, आपके हिसाब से कोई और जानकारी है या ऑप्शन अवेलेबल है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और हमारे चैनल वॉफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद।